आपका एनएस न्यूज एक्सक्लूसिव में मैं हूं रंजीता पठारे और हाजिर हूं आज के न्यूज इन माय बीट में। यदि आप भी करते हैं मेट्रो की यात्रा तो सावधान हो जाइए, अलर्ट हो जाइए, क्योंकि बाद में ये ना कहना पड़े कि मैं तो लुट गया। मेट्रो में यात्रियों की जेब साफ करने वाले चोरों के खिलाफ पुलिस ने अभियान छेड़ रखा है। बीते 3 महीने में कुल 143 चोरों को पकड़ लिया गया है और इन्हें पुलिस के पास भेजा जा चुका है। इनमें 3 शातिर चोर अलग अलग मेट्रो स्टेशन से पकड़े गए हैं, जिनका नाम है मोहम्मद इमरान, पवन शर्मा और पहाड़गंज निवासी आकाश। DCP मेट्रो विक्रम के पोरवाल ने बताया कि 3 सितंबर को इस पंजाबी बाग निवासी हिमांशु की जेब से अशोक पार्क मेट्रो स्टेशन से 3,35,000 रुपए चुरा लिए गए। मामले की शिकायत करने पर पुलिस ने छानबीन शुरू की। जांच के दौरान मेट्रो स्टेशन पर लगे CCTV कैमरे की फुटेज चेक की, जिसमें आरोपी की पहचान हो गई। 18 नवंबर को पुलिस ने इसी फुटेज की मदद से इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन से इसे दबोच लिया। आरोपी ने बताया कि बीते 10 साल से जेब तराशी की वह वारदातें करते जा रहा है और इसे अभी तक किसी ने पकड़ा नहीं था। वहीं 3 मामलों में शामिल पाया गया। इसके पास से 50,000 रुपए मिले। पर्स और मोबाइल इसके निशाने पर होते थे। 17 नवंबर को पुलिस ने यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के आकाश से आकाश को भी दबोच लिया। वह पहाड़गंज एरिया का रहने वाला है। उस पर किडनैपिंग का एक केस पहले से ही दर्ज है और वो अभी भी मेट्रो में हाथ सफाया करता था। वहीं पवन शर्मा को कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन से दबोचा गया है। एक्सकलेटर का इस्तेमाल करते वक्त इस आरोपी ने एक शख्स के बैग में हाथ डाला था, जिसे पीड़ित ने रंगे हाथों पकड़ लिया था। खुद को फंसता देख आरोपी वहां से भाग निकला। शोर शराबे की आवाज सुनकर एक कांस्टेबल ने पवन को पकड़ लिया था। तो ये तो सिर्फ 3 शातिर चोर पकड़ाए हैं, ऐसे तो कई शातिर चोर है। इसीलिए अगर आप सफर करते हैं तो सावधानी से करिए। आज के न्यूज इन माय बीट में इतना ही था। ऐसे वीडियोज की जानकारी के लिए बने रही है NS News Exclusive के साथ। थैंक यू, गुड डे।